हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज इमिप्रामाइन, हाइप्रोनियाजाइड, फ्लुऑक्सेटिन, नाफाजोलिन। इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? तो हमने देखा था SSRIs में आते हैं फ्लुऑक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, फ्लुऑक्सामाइन, देन सर्टालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनमें से सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो जाएगा फ्लुऑक्सेटिन। ये इमिप्रामाइन होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये सभी होते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। नाफाजोलिन होता है नेसल डिकनजेस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग एट्रोपिन, कार्वेडिलॉल, नियोस्टिगमाइन, डी ट्यूबाकुरारिन। निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। इनमें से कौन ब्लॉक करता है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये होता है डी ट्यूबाकुरारिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय डी ट्यूबाकुरारिन। ये डी ट्यूबाकुरारिन होता है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है डी ट्यूबाकुरारिन। ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये होता है एट्रोपिन। विच ड्रग इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? तो ये भी हो जाएगा एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? तो ये भी हो जाएगा एट्रोपिन। एंड ये एट्रोपिन होता है ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रॉपिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1, 2, 3 और 4। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये होता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे, हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के कौन से फेज में हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये होती है फेज 1। हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स। देन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड फेज 4 ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हैज ए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, कोकाइमोट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हैज ए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इनमें से किसका होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर? तो ये होता है हीमोग्लोबिन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये हीमोग्लोबिन आता है क्रोमोप्रोटीन्स में, ये मायोग्लोबिन होता है मेटालोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू टॉर्सेट डी पॉइंट्स, क्लोरप्रोमाजिन, एस्टेमिजोल, हेलोपेरिडॉल, डॉम्पेरिडॉन। कौन से ड्रग को मार्केट से विड्रॉ किया गया है ड्यू टू टॉर्सेट डी पॉइंट्स? तो ये है एस्टेमिजोल। ऑप्शन बी एस्टेमिजोल। एस्टेमिजोल का साइड इफेक्ट होता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ड्रग्स एंड उनके साइड इफेक्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है क्लोराम्फेनिकॉल। देन रेडमैन सिंड्रोम, वैनकोमाइसिन। रेस सिंड्रोम, एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, सल्फोनामाइड्स। देन ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये कॉज कराता है एमियोडायरॉन। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एमियोडायरॉन। देन जेरी शर्जीमर रिएक्शन, तो ये कॉज कराता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जेरी शर्जीमर रिएक्शन। ये सभी साइड इफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये क्लोरप्रोमाजिन क्या है? तो ये फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप होता है क्लोरप्रोमाजिन। एंड क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन विच ड्रग इंड्यूसेस पार्किंसंस? तो ये भी होता है क्लोरप्रोमाजिन। ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसंस इज क्लोरप्रोमाजिन। ये हेलोपेरिडॉल भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया इज हेलोपेरिडॉल। ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया इज हेलोपेरिडॉल। इट रिड्यूसेस द साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली। इसे यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनसिक्लोविर इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साइटोमेगेलोवायरस, कैंडिडा एल्बिकन्स, हर्ब्स जोस्टर वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। गैनसिक्लोविर इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ,
तो गैंसिक्लोविर को यूज करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साइटोमेगालोवायरस, ऑप्शन ए साइटोमेगालोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विद इम्प्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग डोनेपेजिल, इंट्रोफोनियम, एट्रोपिन, पैनक्यूरोनियम। किसका यूज करते फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? तो इसके लिए यूज करते हैं इंड्रोफोनियम का, ऑप्शन बी इंड्रोफोनियम। ये इंड्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनिस्ट्रेज इनिबिटर, इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग होता है इंड्रोफोनियम, एंड ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है इन माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये पैनक्यूरोनियम होता है लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज पैनक्यूरोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर? ट्रेनेक्जेमिक एसिड, स्ट्रेप्टोकाइनेज, अमाइनोकैप्रोइक एसिड, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा है प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर? तो ये होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर एंड ये होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एनिस्ट्रिप्लेज, ये सभी होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, देन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज थेरेपी इज ब्लीडिंग। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। ये ट्रेनेक्जेमिक एसिड, अमाइनोकैप्रोइक एसिड, ये होते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट, फाइब्रिनोलाइसिस को इनिबिट कराते हैं एंड इन्हें यूज करते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। ये हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग, ट्रेनेक्जेमिक एसिड एंड अमाइनोकैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक इज ए प्रोड्रग? पायरोक्सिकैम, सिलिकॉक्सिब, नाबुमेटन, केटोरोलैक। इनमें से कौन सा नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक होता है प्रोड्रग? तो प्रोड्रग होता है नाबुमेटन, ऑप्शन सी नाबुमेटन। एनसेड के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर्स क्लास में आता है ये नाबुमेटन। नाबुमेटन, निमेसलाइड, मेलोक्सिकैम, ये सभी होते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर्स। ये पायरोक्सिकैम होता है एनसेड के ऑक्सिकैम डेरिवेटिव क्लास में। सेलिकॉक्सिप, इटोरिकॉक्सिप, ये होते हैं सिलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर्स। केटोरोलैक होता है पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट एक्ट ऑन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स? इपिनेफ्रिन, इंसुलिन, डोपामाइन, TSH। इनमें से कौन सा ड्रग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करता? तो ये होता है इंसुलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन डज नॉट एक्ट ऑन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये इंसुलिन में प्रेजेंट होते हैं टोटल 51 अमाइनो एसिड्स। चैन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड एंड चैन बी में प्रेजेंट होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। देन इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। देन शेड्यूल सी में आता है ये इंसुलिन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सबक्यूटेनियस। देन अभी आप मुझे बताएंगे 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेंट्स हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन में? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 24 यूनिट्स। ये इपिनेफ्रिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है इपिनेफ्रिन। ये होता है सिम्फेटोमाइमेटिक एजेंट। इसे कंबाइन किया जाता है विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं डोपामाइन का। ये TSH होता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ये सीक्रेट होता है फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसका मेन फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इज एसोसिएटेड विद प्लेबाइटिस? सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रास्पाइनल, इंट्राड्यूरल। इनमें से कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड होता है विद प्लेबाइटिस? तो ये होता है इंट्रावेनस, ऑप्शन बी इंट्रावेनस। IV रूट इज एसोसिएटेड विद प्लेबाइटिस एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय IV रूट। IV रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमोटैक्सिस? टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स, टैक्सोनॉमी ऑफ केमिकल्स, इनिबिशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन। क्या होता है केमोटैक्सिस? तो ये होता है मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग? कार्डियक सेल्स, नेफ्रॉन्स, RBC, थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें से किसका ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज? तो ये होता है RBCs का ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसीज एंड नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है 4.5 टू 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। देन एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज इज पॉलीसाइडेमिया एंड आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, ये थ्रम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स एंड डेफिशियंसी ऑफ थ्रम्बोसाइट्स इज थ्रम्बोसाइटोपेनिया। देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, तो ये होता है 2 टू 3.5 लैक्स पर एमएम क्यूब। देन इनका लाइफ स्पैन होता है 0 टू 11 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसीज। इमेटिनिब, पैक्लिटैक्सल, इजेटिमाइब, माइटोमाइसिन। टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसीज। इनमें से कौन सा होता है टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसीज, तो ये हो जाएगा इमेटिनिब, ऑप्शन ए इमेटिनिब। एंटी कैंसर ड्रग के मिसलेनियस क्लास में आता है इमेटिनिब। देन पैक्लिटैक्सल आता है टेक्सेंस में। एंटी कैंसर ड्रग के टेक्सेंस क्लास में आता है पैक्लिटैक्सल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। एनहेंसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैक्लिटैक्सल। ये माइटोमाइसिन होता है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्टेरियल्स। हाइड्रालाजिन, मिनोक्सिडिल, डाइजोक्साइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ड्रग प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्टेरियल्स, तो ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्टेरियल्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेस टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन। इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन, तो ये होता है मिनोक्सिडिल। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव वैसोडायलेटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हेयर लॉस, तो ये भी होता है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल यूज टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। हेयर लॉस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं मिनोक्सिडिल का टॉपिकली। देन मिनोक्सिडिल का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो मिनोक्सिडिल का साइड इफेक्ट होता है हिर्सुटिज्म। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है साइड इफेक्ट ऑफ मिनोक्सिडिल, सो इट शुड बी अवॉइडेड इन यंग फीमेल्स, इसलिए इसे यंग फीमेल्स में अवॉइड किया जाता है। देन विच डायूरेटिक हैज सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। कौन से डायूरेटिक का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, तो ये होता है क्लोरथायाजाइड का। क्लोरथायाजाइड हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डाइजोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स कैन कॉज कन्वल्शंस एंड अरिथमिया। प्रेडनिसोलॉन, साल्मेटेरॉल, जाफिर लुकास्ट, थियोफाइलिन। इनमें से कौन सा एंटी एस्थमेटिक ड्रग कॉज कराता है कन्वल्शंस एंड अरिथमिया, तो ये कॉज कराता है थियोफाइलिन, ऑप्शन डी थियोफाइलिन। थियोफाइलिन कॉज कराता है कन्वल्शंस एंड अरिथमिया। देन विच एंटी एस्थमेटिक ड्रग कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। कौन से एंटी एस्थमेटिक ड्रग को इनहेलेशन से नहीं एडमिनिस्टर करते, तो ये भी होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पैरेंटरल यूज के लिए होते हैं। इट कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे दी एंटीबायोटिक विच इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन। कौन से एंटीबायोटिक का अवॉइड करते हैं विथ थियोफाइलिन, तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन शुड बी अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन बिकॉज एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनहिबिटर, हेंस इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ थियोफाइलिन। ये प्रेडनिसोलॉन होता है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय प्रेडनिसोलॉन। ये साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट इज साल्मेटेरॉल। जाफिर लुकास्ट होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स। क्या होता है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं लोकल एनास्थेटिक। इसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन। लोकल एनास्थेटिक का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन। देन विच इज द नेचुरल लोकल एनास्थेटिक।
तो ये होता है कोकेन। विच लोकल एनेस्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन का। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं लिडोकेन, प्रीलोकेन एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं टेट्राकेन, बुपिवाकेन, डिबुकेन, रोपिवाकेन। देन लोकल एनेस्थेटिक यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया, तो ये होता है टेट्राकेन। टेट्राकेन इज यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया। यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कौन सा होता है, तो ये होता है लिडोकेन विच इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। देन विच ड्रग इज कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेशिया, तो ये होता है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, डोपामाइन, इपिनेफ्रिन, डिकॉक्सिन, आइसोप्रिनालिन, इनमें से किसका होता है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, तो ये होता है डिकॉक्सिन, ऑप्शन सी डिकॉक्सिन। डिकॉक्सिन हैज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट इज, तो ये होता है डिकॉक्सिन। डिकॉक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट। देन अभी आप मुझे बताएंगे साइड इफेक्ट ऑफ डिकॉक्सिन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ डिकॉक्सिन, तो ये होता है हाइपोकैलेमिया। डिकॉक्सिन कॉज कराता है हाइपोकैलेमिया, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल व्हाइल टेकिंग डिकॉक्सिन। डिकॉक्सिन कॉज कराता है हाइपोकैलेमिया, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल व्हाइल टेकिंग डिकॉक्सिन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिकॉक्सिन, तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। The most important channel of elimination of digoxin is glomerular filtration. Then which drug given concurrently can enhance the toxicity of digoxin? तो ये होता है quinidine. Next question, agent that can only be given intravenously for heart failure is digoxin, amiodarone, quinidine, dobutamine. इनमें से किसे देते हैं intravenously for heart failure? तो ये होता है dobutamine. Option D हो जाएगा आपका correct answer. डोबुटामाइन कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर। ये डोबुटामाइन होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक एजेंट होता है डोबुटामाइन एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड सीवियर हार्ट फेलियर। ये हार्ट के बीटा वन एड्रिनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कराता है जिससे इंक्रीज होती है हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये क्विनिडिन भी होता है एंटीअरिथमिक ड्रग, इट एक्ट बाय सोडियम चैनल ब्लॉकेड। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है क्विनिडिन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ डिकॉक्सिन, तो ये होता है क्विनिडिन। क्विनिडिन गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ डिकॉक्सिन। ये क्विनिडिन डिकॉक्सिन की प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कराता है, ये डिकॉक्सिन के रेनल क्लियरेंस को भी रिड्यूस कराता है जिससे डिकॉक्सिन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है कॉजिंग इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, कार्बेडिलॉल, एटनेलॉल, इस्मोलॉल, एसिबिटालॉल, इनमें से कौन सा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ब्लॉकर? तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है इस्मोलॉल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स में आता है ये इस्मोलॉल। इस्मोलॉल, एटनेलॉल, एसिबिटालॉल, बिसोप्रोलॉल, बेटाक्सोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, ये सभी होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स। ये कार्बेडिलॉल होता है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। कार्बेडिलॉल एंड लैबेटालॉल होते हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज, कार्बोप्रोस्ट, लैटेनोप्रोस्ट, बीमेटोप्रोस्ट, ट्रैवोपोस्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो ये होता है कार्बोप्रोस्ट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोप्रोस्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ये कार्बोप्रोस्ट होता है सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देन इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीटोसिक, ये यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है एंड इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस एन एबॉर्शन बाय कॉजिंग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, इसे यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज 5-HT4 एगोनिस्ट ऑल्सो, मेटोक्लोप्रामाइड, सिसाप्राइड, सिलासेट्रॉन, ग्रैनिसेट्रॉन। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज 5-HT4 एगोनिस्ट ऑल्सो, तो ये होता है सिसाप्राइड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिसाप्राइड होता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड 5-HT4 एगोनिस्ट ऑल्सो एंड इसे यूज करते हैं फॉर गैस्ट्रोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, इट प्रमोट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
क्या होता है सिसाप्राइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो एनहेंसमेंट ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द मायंट्रिक प्लेक्सस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिसाप्राइड। ये एनहेंस कराता है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द मायंट्रिक प्लेक्सस। ये मेटोक्लोप्रामाइड होता है डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट। ये एंटी इमिटिक होता है एंड एंटी इमिटिक एक्शन ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड इज ड्यू टू इट्स D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी इन दिस CTZ केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये ग्रैनिसेट्रॉन होता है सेरेटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ये भी होता है एंटी इमिटिक। सिलासेट्रॉन होता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।